तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े एल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े एल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे एल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। शॉर्ट भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शॉर्ट भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे एल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना। मकसद है एल्टोस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एक ताकि कदम चलेंगे एल्टोस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता। हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता। हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे एल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा हर ट्यूसडे यानी हर मंगलवार का सेशन होता है वो आपके स्वास्थ्य को समर्पित होता है। इस सेशन के माध्यम से हम जानते हैं आपकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है उनके बारे में। एल्टोस के माध्यम से हम अपनी जो सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं और किस तरह से हम लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य जो है वो प्रदान करके हमारा जो मिशन है उसको हम कामयाब बना सकते हैं। सो दोस्तों, आज का भी जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज्यादा खास है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट की, जिसको हम काफी लंबे समय से जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और कुछ ही दिन पहले आप लोगों तक भी ये न्यूज आई थी कि कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करने जा रही है, जो कि हमारी किडनी यानी कि हमारे गुर्दे हैं उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए हमारी जो यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट की जितनी भी इंफेक्शन है या फिर उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके हल के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसको लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है यूरिप्योर सिरप।
दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों से आपकी जो किडनी है या फिर आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन की जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स आप लोग सफर करते हैं या फिर अक्सर हमें होती हैं जिनका हमें मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं लगता, या फिर मैं बात करूं किडनी स्टोन का, ब्लैडर स्टोन का, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो आज इस सेशन के माध्यम से हम पूरा का पूरा फोकस जो है उस स्पेसिफिक यू नो टॉपिक पर करेंगे। आज इस सेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी बेसिकली किडनी स्टोन होता क्या है और क्यों होता है किडनी स्टोन हम लोगों को, और एल्टॉस के माध्यम से जो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ है जो कि यूरी प्योर सिरप के नाम से है, उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगी और इसकी अनपैकिंग भी मैं आप लोगों के सामने करूंगी। इसका जो बॉटल है, इसकी जो पैकिंग है, वो भी आप लोगों के साथ इस सेशन के माध्यम से जरूर शेयर करूंगी। तो आइए और ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन बेसिकली, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी किडनी का। दोस्तों, किडनी हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी का ही एक ऑर्गन है जो कि बीन शेप, यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी जो शेप होती है वो बीन शेप, यानी कि अगर नॉर्मली डे टू डे लाइफ से आप इसको रिलेट करेंगे तो आपने राजमा देखा है ऑटोमेटिकली उसकी बिल्कुल डिट्टो उसी की तरह का जो शेप है वो हमारे किडनी का होता है। दोस्तों, किडनी हमारी बॉडी में क्या काम करती है, हम सभी जानते हैं कि किडनी है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो किडनीज हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल दो होती हैं हमारी बॉडी में, टू नंबर्स में होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि हमारी जो किडनी है वो हेल्दी रहे। एक होता है कि आपको किसी प्रकार की किडनी का इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपको स्टोन हो रहा है, तो हमें हर प्रकार से अपनी किडनी को यू नो हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है। तो उसके लिए हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारी किडनीज का यू नो हेल्दी रहना, उनका स्वस्थ रहना, एल्स बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमें आने वाले टाइम में सफर करना पड़ सकता है अगर हम अपनी जो किडनी है उसको हेल्दी नहीं रखते हैं। तो बेसिकली किडनी करती क्या है, हमारी बॉडी में जो किडनीज प्रेजेंट होती हैं उसका काम क्या है। दोस्तों, किडनीज जो है हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, किसी भी प्रकार का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ये हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करने, यानी कि उसको बाहर निकालने का काम करती है। मीन्स आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का यू नो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ यू नो यूरिया के फॉर्म में जनरली प्रेजेंट रहता है या फिर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जो कुछ वेस्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो किडनी क्या करती है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट, उसको एक्सपेल आउट करने में, यानी कि उसको बाहर निकालने में का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, हमारी किडनी है, हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं या फिर जितने भी केमिकल्स हैं, एज हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सब क्या है, हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस है बेसिकली। तो किडनी क्या करती है, हमारे जितने भी मिनरल्स होते हैं या फिर जितना भी हमारा केमिकल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको ये एक तरह से बैलेंस करने का काम करती है। एज हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं या फिर जो भी हम डाइट लेते हैं उससे काफी तरह के जो मिनरल्स हैं हम लोग खाते हैं, बट उससे बैलेंस कौन करता है उसको, एक्चुअली उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में जो उसको मेंटेन करने का काम करती है वो करती है हमारी किडनी। सो किडनी हमारी बॉडी का जितना भी यू नो केमिकल्स है या फिर मैं कहूँ तो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं उनको बैलेंस रखने का ये काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड प्रेशर है उसे भी मेंटेन रखने का काम करती है। और बहुत से लोग हैं हम में से ही जो आई गेस ये चीज नहीं जानते कि हमारी जो किडनी है उसको भी मेंटेन करने का सॉरी हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करने का जो काम है वो किडनीज बहुत अच्छे से प्ले करती हैं। और साथ ही साथ जितने हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है उसमें भी किडनी जो है वो काफी हद तक जो है रोल प्ले करती है। मींस हमारी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी किडनी जो है वो अपना योगदान देती है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं जनरली, अगर मैं एक मिनट की बात करूं तो एक मिनट में हमारी बॉडी का जो 1200 ml ब्लड है, यानी कि 1200 मिलीलीटर ब्लड है, वो हमारी किडनी में एंटर करता है केवल और केवल एक मिनट में।
और अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो हमारे के लिए पूरे दिन में 1700 लीटर जो ब्लड है, यानी कि जो आपकी बॉडी में 1700 लीटर्स ब्लड है, उसको ये प्योरीफाई करने का काम करती है, यानी कि उसको साफ करने का काम करती है। तो ऑटोमेटिकली जब उसको साफ करेगी, जितना भी वेस्ट होगा, जितना भी वेस्ट हमारा किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट होता है बॉडी में, तो उसको ये बाहर निकालने का काम करती है। और आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ पे हमारी किडनीज जो है, दोनों किडनीज मिलके एक दिन में 1700 लीटर ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। एंड ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो ब्लड है वो साफ हो, वो टॉक्सिसिटी से भरा ना हो। एज हमारा जितना भी खाने का न्यूट्रिशन है, आप कोई भी फॉर्म में सप्लीमेंट्स ले रहे हो, वो आपके ब्लड में डिजॉल्व होके ही आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। और वहीं अगर आपका जो ब्लड है वो साफ नहीं होगा, आपके रक्त के अंदर टॉक्सिसिटी भरी होगी, विषाक्त पदार्थ भरे होंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड है वो सारे विषाक्त पदार्थों को भी, आपके मिनरल्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके न्यूट्रिशन के साथ, आपके वाइटामिन मिनरल्स के साथ, वो सारी टॉक्सिसिटी भी आपकी जो बॉडी है उसमें धीरे धीरे करके वो पहुंचाएगा। तो इट इज वेरी मैंडेटरी कि हमारा जो ब्लड है उसका क्लियर होना, उसका साफ होना, उसका प्योरीफाई होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो किडनी पर डे की अगर मैं बात करूं, प्रतिदिन की बात करूं, तो 1700 लीटर जो ब्लड है उसको साफ करती है। सो आप कुछ सोचिए, हमारी अगर जनरल में ह्यूमन बॉडी की बात करूं, मानव शरीर की बात करूं, तो हमारी बॉडी में अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, रक्त का परिसंचरण सही तरह से हो रहा है, तो तभी हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। उसमें हर तरह के वाइटमिन्स हैं या फिर मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी में जाएंगे। अगर हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, या फिर वो ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और पर के 1700 लीटर ब्लड को प्योरीफाई करना, इट्स अ वेरी बहुत बड़ा टास्क है जो कि हमारी किडनीज परफॉर्म करती हैं। तो दैट इज वाई आपकी बॉडी की में जो किडनीज है उनका स्वस्थ होना, उनका सही तरह से काम करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने अक्सर सुना होगा, लोग बोलते हैं कि उनकी किडनी जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई है, या फिर धीरे धीरे करके, कुछ लोगों से हमने ये भी सुना है कि उनकी एक किडनी जो पार्शली डैमेज हो गई है, अब वो एक ही किडनी पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ सोचते हैं, अगर दोनों किडनीज मिलकर इतना काम पूरे ढंग से करती हैं, कोई व्यक्ति की अगर एक किडनी के ऊपर सर्वाइवल है, तो उसकी किडनी इतना हैवी लोड कैसे ले पाएगी? तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग स्टार्टिंग से ही अपनी किडनी के ऊपर फोकस करें। और अभी तो हमारे पास बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कि हमें कंपनी ने दिया है, ताकि हमारे को किसी भी तरह की किडनी से संबंधित समस्या है, या फिर कोई भी एल्स प्रॉब्लम है जो कि हमारे पूरे के पूरे यूरिनरी ब्लैडर से रिलेट करती है, उससे हमें सफर ना करना पड़े। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपनी किडनी को हेल्दी रखें, उसको टाइम टू टाइम उसको एक प्रॉपर केयर जो है उसको हम क्लीन रखें, उसके अंदर टॉक्सिसिटी को एकमुलेट, यानी कि उसको जमा ना होने दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी किडनी को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखें। दोस्तों, अगर जनरली मैं बात करूं, हम लोग अगर आज अपनी किडनी को प्रोटेक्ट नहीं करते, तो ना केवल हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड प्योरिफिकेशन की कमी आएगी, और अगर हमारी ब्लड प्योरिफिकेशन नहीं होगी, ब्लड प्योरिफाई नहीं होगा, तो ये आपको 10-15 तरह की और प्रॉब्लम जो है वो इकट्ठी करके आपकी बॉडी को एक एज अ गिफ्ट देगा, अगर हमारा ब्लड आज साफ नहीं है। इसके अलावा हमारी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा। देन आपका जो बॉडी का मिनरल का बैलेंस है, जो भी केमिकल्स आपके मेटाबॉलिज्म को पूरा करने में मदद करते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि आपका डाइजेशन होता है, आप जो भी खाते हो वो खाना आपके ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होता है, वो सारे प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी, कहीं ना कहीं उसमें भी एक रुकावट आएगी, अगर आपकी जो किडनी है आज प्रॉपरली हेल्दी नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस चीज को अच्छे से समझें कि हमें अपनी किडनी को स्वस्थ रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। सो नाउ कमिंग टू स्टोन, सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है किडनीज को लेके, वो आती है स्टोन, और जो कि आज के टाइम पे 80% लोगों में देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोस्तों, किडनी स्टोन के अलावा किडनी में इंफेक्शन होता है,
या फिर किडनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो उनकी जो किडनी है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी किडनी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आपकी पूरे की पूरे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, हमें यूटीआईज यानी कि आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है वो होने का जो खतरा है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है इनसे लोग अक्सर सफर करते हैं अगर उनको किडनी के संबंधित कोई भी तरह का जो समस्या है वो होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी स्टोन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज का पता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि किडनी स्टोन होता क्या है। दोस्तों किडनी स्टोन को हम रीनल कैलकुलाई भी बोलते हैं, यानी कि रीनल कैलकुलस, ये एक तरह का साइंटिफिक टर्म है हमारे किडनी स्टोन के लिए। और यहाँ पे हैरानी करने वाली बात दोस्तों जो कि आई गेस हम सभी लोग कहीं ना कहीं शायद नहीं जानते हैं वो ये है कि जो हमारे किडनी में स्टोन बनते हैं वो किस चीज के बनते हैं। किडनी के जो स्टोन्स बनते हैं दे आर बेसिकली कैल्शियम के ऑक्सलेट्स होते हैं। कैल्शियम की जब डेपोजिशन होने लग जाती है, कैल्शियम के क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, वही धीरे धीरे करके जो किडनी का स्टोन है वो बनाते हैं। सो बेसिकली हमारी जो किडनी में स्टोन प्रेजेंट होता है वो एक कैल्शियम की डेपोजिशन होती है, यानी कि कैल्शियम की ही फॉर्म में हमारी बॉडी में ऑक्सलेट्स बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, और वो जाके हमारी किडनी के अंदर जमा होके हमारा जो किडनी स्टोन है उसको मतलब एक तरह से अपना रूप देते हैं। तो यहाँ पे मेजर बात ये है कि जो किडनी स्टोन है वो बेसिकली हमारा एक कैल्शियम की हार्ड डिपॉजिट्स है, मीन्स छोटा छोटा करके कैल्शियम जो है वो जमना शुरू होता है। और कुछ लोगों में जो ये जो किडनी स्टोन बनता है वो स्टार्टिंग में जब छोटा होता है तभी पता लग जाता है, कुछ लोगों का थोड़ा बड़ा होके, और अगर मैं बात करूं कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर डेपोजिशन होती रहे यानी कि जमता रहे तो धीरे धीरे करके ये जो किडनी स्टोन है वो बड़ा होता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमें कॉज करता है, राइट? तो किडनी स्टोन जो बेसिकली है वो हमारा कैल्शियम के ऑक्सलेट्स होते हैं, कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं। या फिर मैं बात करूं कि किडनी स्टोन जो है वो मिनरल्स के हार्ड डिपॉजिट, छोटे छोटे करके हमारी बॉडी में जो भी हम मिनरल्स लेते हैं अगर वो हमारी बॉडी में अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे करके जमा होना स्टार्ट करके, और मतलब कैल्शियम और या फिर इसके अलावा मिनरल्स जो भी आप किसी भी फॉर्म में मिनरल्स ले रहे हो वो भी छोटा छोटा करके जमा होने लगते हैं, और वो भी एक तरह से जो है वो मिलके जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो किडनी स्टोन को फॉर्म करते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, किडनी का जो स्टोन है वो बनता कब है और कैसे बनता है। किडनी का स्टोन तब बनता है जब हमारे सॉरी जब हमारे यूरिन में, यानी कि जब भी आप यूरिन पास आउट करते हो उसके अंदर, वो यूरिन के अंदर जो कैल्शियम है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो मात्रा है हमारे यूरिन में जमा होने लगती है, तब उस टाइम पे जो किडनी स्टोन है वो बनना शुरू होता है। और उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इन चीजों को डिसॉल्व करते हैं, इन चीजों में घुल जाते हैं, उन्हें हमारी किडनी में कहीं ना कहीं कमी होती है, जिसकी वजह से जो भी हमारे यूरिन में कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सारे सब्सटेंसेस जो वो इन कैल्शियम को डिसॉल्व कर लें, इसको मिला लें, इसको मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, उनकी कमी आ जाती है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में। तो जिसकी वजह से ये जो कैल्शियम है हमारे यूरिन में, हमारे बाथरूम में इकट्ठा हो के जो किडनी स्टोन है उसको पैदा करने का काम करता है। तो इस तरह से आपका जो किडनी स्टोन है वो बनता है। किस तरह से, अगर आपके यूरिन में काफी मतलब धीरे धीरे करके जो कैल्शियम है वो इकट्ठा होता रहे और ऐसे सब्सटेंसेस का ना होना जो कि कैल्शियम को या उन ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को डिसॉल्व कर ले, उनको मिलावट करके मतलब उनमें आपस में मिल जाए, बेसिकली उन चीजों की कमी होने की वजह से हमारी जो किडनी है उनमें जो स्टोन है उसकी मतलब वो बनता है उस तरीके से। तो नाउ बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब हमें किडनी स्टोन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों सभी लोग आई गेस जिन्होंने इस चीज को सफर किया है, या फिर वो सभी लोग भी इंक्लूडिंग मी कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सुना है कि किडनी स्टोन का पेन कितना भयानक होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हम सिम्टम की बात करेंगे दैट इज हमारा
पेन होती है बहुत ज्यादा दोस्तों, हमारे पेट में, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, हमारे ब्लैडर में, हमारी किडनी में असहनीय दर्द जो है वो हमें मतलब झेलनी पड़ती है जिन भी व्यक्तियों को किडनी स्टोन की समस्या होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, जब भी वो बाथरूम जाते हैं या फिर वॉशरूम जाते हैं, उनको यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मीन्स उनकी ये जो जब भी वो यूरिन पास आउट करते हैं तो उनको यूरिन पास करते हुए भी बहुत ज्यादा जो दर्द है उससे सफर करना पड़ता है। ये भी एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो मैं कहूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, जब भी हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा यूरिन का कलर है वो स्लाइटली वाइट हो जाता है, टर्बिड जिसको बोलते हैं, यानी कि मतलब वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता, उसमें एक थोड़ा बहुत धुंधलापन जो है वो देखने मिलता है। तो उस तरह से हमारा जो ये यूरिन हम जाते हैं उसमें एक टर्बिडिटी आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर हमें आज के टाइम पे इस चीज को हम नोटिस कर रहे हैं, जो कि जनरली जब हम यूरिन पास आउट करते हैं, अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कि उनका जो यूरिन का कलर है वो क्लियर नहीं है, उसमें स्लाइटली धुंधलापन है, टर्बिडिटी है, तो वो प्लीज एक बार अपनी किडनीज को जरूर चेक करवाएं, तो ताकि अगर उनका जो स्टोन डेवलप भी हो रहा होगा या फिर उनकी बॉडी में कैल्शियम जो है वो किडनीज में इकट्ठा हो रहा होगा, तो वो उसको इमिडिएटली कहीं ना कहीं ट्रीट करके अपनी ये जो प्रॉब्लम है उसको स्टार्टिंग में ही मतलब सही तरीके से उसका उपचार करें। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं अगले सिम्टम की। तो अगला सिम्टम जो है वो है कि कई बार हमने ये चीज भी देखी है कि जब हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं, या वो लोग जिनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, जब भी वो यूरिन पास आउट करते हैं यानी कि जब भी वो वॉशरूम जाते हैं, तो कई बार उनको यूरिन के साथ साथ ब्लड भी जो है वो निकलता है। तो ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है कि जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हो तो उसमें आपका जो ब्लड है, आपका रक्त है, वो भी साथ में थोड़ा बहुत आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है कि आपको किडनी से संबंधित या स्टोन की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपको किडनी से संबंधित स्टोन की या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसकी समस्या तो नहीं है। सो नाउ अब बात करते हैं कि क्या क्या मुख्य कारण है जिनकी वजह से ये जो किडनी स्टोन है वो बनता है, या फिर कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें किडनी से संबंधित इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता है, या फिर अगर मैं बात करूं जनरली स्टोन होने के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं, या फिर हमें किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है या फिर उसमें हमारा जो वेस्ट है वो सही ढंग से पास आउट नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, तो क्या क्या मुख्य कारण है जिनसे हमें किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या जो कि कहीं ना कहीं हमारी किडनी से लिंक होती है वो हो सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं, ताकि जिन लोगों को अभी ऐसी समस्या नहीं है वो आगे चल के भी ऐसी समस्या को उनसे बचे कि वो उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमारी बॉडी का जो यूरिन है उसका जो पीएच बैलेंस है उसमें इम्बैलेंस आना, जनरली हमारा जो पीएच बैलेंस होता है वो 7 होता है न्यूट्रल, अगर वो 7 से कम होता जाए तो वो एसिडिक हो जाता है, 7 से बढ़ता जाए तो वो बेसिक हो जाता है। मींस अगर आपका बॉडी का पीएच 7 से कम हो रहा है, 3, 4, 5 रह रहा है, तो इट मींस आपकी बॉडी में जो एसिडिक एसिड की प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर डायरेक्टली मैं कहूँ तो एसिडिटी की समस्या होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बेसिक की तरफ जाएं तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी बॉडी में जो मतलब एसिड है उसको डिसॉल्व करता है, एज कुछ अमाउंट तक हमारी बॉडी में एसिड होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा खाना जो है वो पचता है, तो बेसिसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी स्पेसिफिकली स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी सफर करने को मिलती है। तो इसीलिए जो हमारा न्यूट्रल पीएच है वो है 7, तो हमारे जो यूरिन का पीएच है ये उसमें भी इम्बैलेंस लेके आता है, यानी कि वो फ्लक्चुएट होता है, वो न्यूट्रल यानी कि 7 नहीं रहता, आइदर वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है या फिर वो बहुत ज्यादा, मैं बात करूँ तो बेसिक हो जाता है।
तो इस तरह से हमारी जो यूरिन के पीएच के अंदर इम्बैलेंस आना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी मतलब किडनी स्टोन के होने का। ये एक बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम है, लक्षण है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उससे हमें सफर करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, दैट इज यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन। अगर आपको किसी भी तरह की आपके यूरिन में इंफेक्शन हुई है या फिर उस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में इंफेक्शन हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जो कि आगे चल के आपको किडनी से संबंधित समस्याओं से रिलेट करता है या फिर किडनी स्टोन होने का जो खतरा है उसको बढ़ा देता है। देन दोस्तों, जो लोग हाइपर थायरॉयडिज्म से यानी कि थायरॉयड से बेसिकली गुजर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अभी से अपनी किडनी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हाइपर थायरॉयडिज्म एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है जिससे कि आने वाले समय में हमारी जो किडनी है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ने के चांसेस भी है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे सिम्टम की तरफ, दैट इज इंफ्लामेटरी बोवल डिजीजेस, आईबीडी जिसको बोलते हैं, दैट इज इंफ्लामेटरी बोवल डिजीज। दोस्तों, ये आपके डायरेक्टली कहीं ना कहीं मतलब आपका जो स्टूल पास करते हैं आप उससे डायरेक्टली लिंक करते हैं। मीन्स अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका लिवर भी हेल्दी नहीं है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी आईबीडी से रिलेटेड, यानी कि इंफ्लामेटरी बोवेल डिजीज। आपका जो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है वो हेल्दी नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है बहुत लंबे समय से, और स्टिल ऐसी कुछ हेल्थ सप्लीमेंट से भी आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है, या फिर आपका डाइजेशन पावर अच्छा नहीं है, दे ऑल आर आईबीडी, इंफ्लामेटरी बोवेल डिजीज। सो जिन लोगों को ऐसी कोई समस्या काफी लंबे समय से चल रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है जो कि आने वाले टाइम में आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम्स को संकेत करता है। देन वो सभी व्यक्ति जो काफी कम मात्रा में पानी पीते हैं, मीन्स जिनका वाटर इनटेक बहुत ज्यादा कम है, जो कि बहुत कम पानी पीते हैं, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, प्रतिदिन हर व्यक्ति को 3 से 4 लीटर जो पानी है वो अवश्य पीना चाहिए। मीन्स अगर आप चाहते हैं आपकी किडनी के साथ साथ आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग ये जो वाटर है मिनिमम 3 to 4 लीटर आप पानी जो है वो अवश्य पिए। तो वो व्यक्ति जो कि कम मात्रा में पानी पीते हैं उनकी भी बॉडी जो है वो क्लीन नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हर एक व्यक्ति को एक पर्याप्त मात्रा में जो मतलब पानी है उसका कंजम्पशन करना इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम की तरफ, दैट इज रॉन्ग डाइट। दोस्तों, रॉन्ग डाइट मतलब आप कुछ भी खा रहे हो, अगर आपकी बॉडी की डाइट में न्यूट्रिशन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है, अमाइनो एसिड्स नहीं है, तो दैट इज योर रॉन्ग डाइट। मीन्स जिस भी खाने में इतनी सारी चीजों की कमी होती है कहीं ना कहीं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो डाइट है दैट इज नॉट क्लियर, आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी डाइट, रॉन्ग डाइट के अंदर आता है। सो वो सभी व्यक्ति जो अनहेल्दी डाइट खाते हैं, जो कि न्यूट्रिशन लेस डाइट खाते हैं, जनरली हम लोग फोकस करते हैं न्यूट्रिशन रिच डाइट के ऊपर। जो व्यक्ति न्यूट्रिशन लेस डाइट खाते हैं, फाइबर लेस डाइट खाते हैं, उनको आगे आने वाले टाइम में ये जो समस्या है उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल व्यक्ति के। देन इसके अलावा दोस्तों, अगर आप वाइटामिन ए और वाइटामिन सी की मात्रा का कम सेवन करते हैं, तो भी आपको जो किडनी स्टोन या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। सो नाउ अब बात करते हैं क्या करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हेल्दी रहे। सो आज सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है वाटर इनटेक आपका सफिशियंट होना चाहिए। इनसफिशियंट पानी जो लोग पीते हैं उनकी कहीं ना कहीं किडनी से संबंधित समस्या है वो फॉर एवर चलती है। सो सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर इज मैंडेटरी।
3 to 4 लीटर इज मैंडेटरी। हर व्यक्ति को 3 से 4 लीटर जो पानी है वो प्रतिदिन अवश्य पीना चाहिए, अगर वो चाहते हैं उनकी किडनी हेल्दी रहे, उनका उनके जो गुर्दे हैं उनका पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम जो है, उनका यूरिनरी ट्रैक्ट है वो हेल्दी रहे। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग मिनिमम 3 to 4 लीटर जो पानी है उसका सेवन जो है वो अवश्य करें। देन इसके अलावा दोस्तों आपकी जो डाइट है वो फाइबर रिच हो, बट मेक श्योर जिन लोगों को स्टोन का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी जिन लोगों की पथरी की समस्या है या फिर उनको किडनी किडनी का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, वो सभी लोग वो सभी लोग जो है आपकी जो मतलब डाइट है उसमें कैल्शियम को अवॉइड करें, मींस बहुत कम मात्रा में जो कैल्शियम है उसको लें। एज मैंने आपको पहले भी बताया है जो हमारे किडनी के स्टोन्स होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम ही होते हैं, तो इसलिए जो व्यक्ति ऑलरेडी किडनी स्टोन से सफर कर रहे हैं तो वो जरूरी है कि अपनी डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम लें। और दोस्तों ये सभी लोगों के लिए भी है कि अपनी डाइट में नमक की मात्रा को बहुत अधिक ऐड ना करें। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी डाइट में नमक और कैल्शियम की जो मात्रा है उसको बहुत अधिक बढ़ने ना दें। और जिन लोगों का ऑलरेडी किडनी स्टोन है वो नमक और कैल्शियम की मात्रा का सेवन बहुत ही कम करें। और यहाँ पे उन सभी व्यक्तियों के लिए भी है जिन लोगों को किडनी स्टोन है वो प्लीज ये जो जैसे कि हरी सब्जियों में अगर मैं बात करूं पालक है उसको अवॉइड करें, दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो उन लोगों को जो मतलब स्पिनेच है यानी कि पालक है उसका सेवन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। एज हमारा जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सलेट्स बनते हैं, तो इसलिए उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पीनट्स यानी कि मूंगफली को भी अवॉइड करना है, एल्स आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसके होने का खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और आपको किडनी से संबंधित समस्या तो ऑटोमेटिकली रहती ही रहती है। देन फ्रूट्स की बात करें तो इसमें स्ट्रॉबेरीज आप अवॉइड करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जिन लोगों को भी स्टोन की समस्या है, चाहे वो किडनी में है चाहे गॉल ब्लैडर में है इन्फेक्शन है, वो लोग थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा को भी अवॉइड करें। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने वाले हैं, तो इसलिए आप ये बहुत जरूरी है कि आप इन सभी चीजों का ध्यान रखें। वो लोग जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनको मैंने बताया कि आपने किन किन चीजों को अवॉइड करना है, और वो सभी व्यक्ति जो चाहते हैं कि हमें कभी ऐसी स्टेट में ना आना पड़े तो वो लोग अपनी डाइट में इन सारी चीजों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कर लें, स्पेसिफिकली कैल्शियम और सॉल्ट यानी कि नमक की। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि हमें किडनी स्टोन बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में किडनी का क्या रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें किडनी स्टोन जब होता है, किडनी से संबंधित समस्या होती है, तो कौन कौन से लक्षण जो है वो हमें दिखते हैं। देन ऐसा क्यों होता है कि हमें किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या फिर किडनी स्टोन हो जाता है, ब्लैडर स्टोन हो जाता है। सो एट लास्ट हमने ये भी जाना कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाने में चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या यू नो अपनी डाइट में चेंजेस करने चाहिए। और स्पेसिफिकली वो सभी व्यक्ति जिन लोगों को ऑलरेडी बॉडी में स्टोन है, आइदर इट्स किडनी स्टोन या फिर ब्लैडर स्टोन, तो आप लोग मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं करोगे और क्लाइमेट चेंजेस का ध्यान रखेंगे कि ये बहुत जरूरी है। आपका जो वर्क स्पेस है वो बहुत ज्यादा थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी लोड्स आपने नहीं उठाने हैं, डायरेक्टली आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी जो इंट्रोडक्शन रही आपकी किडनी से लेके को लेके आपके पूरे के पूरे किडनी यू नो यूरिनरी ट्रैक्ट को लेके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नाउ कमिंग टू अवर प्रोडक्ट, अब हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट की, एल्टॉस का यूरिप्योर सिरप के बारे में। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका पैकिंग दिखाऊंगी एंड इसके बाद मैं आपको इसका टेस्ट भी बताऊंगी, इसकी आपको जो है वो फॉर्मुलेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी।
सो आप ये देख सकते हैं, ये जो सिरप है मेरे पास यूरिप्योर सिरप, राइट, इस तरह की पैकिंग में आप लोगों के पास आएगा। तो इसकी बॉटल भी मैं आपको जरूर दिखाती हूँ दोस्तों। ये इस तरह का ये जो सिरप है यूरिप्योर सिरप आपको इस पैकिंग में मिलेगा, और ये इसका मोनो कार्टन है, मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ, तो आप ये देख सकते हैं, राइट दोस्तों। इसके टेस्ट की बात करूं मैं तो थोड़ा सा सॉल्टी है, यानी कि मतलब अगर मैं जनरल बात करती हूँ तो ये हल्का सा सॉल्टी है। कुछ हमने देखा है कि सिरप थोड़े मीठे होते हैं, सॉल्टी डजंट मीन इसमें नमक की प्रेजेंस है। इसकी कुछ हर्ब्स हैं वो इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा सॉल्टी हो जाता है, राइट। तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सॉल्टी है। आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए, यूरिप्योर सिरप, एंड ये है आपकी इसकी बैक साइड जो कि हिंदी में भी इसको मेंशन किया गया है। सो बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की, तो ये आपको 200 ml में जो है आप लोगों के पास आएगा। एंड कॉम्पोजिशन की बात करें तो दोस्तों इसमें 20 तरह की हर्ब्स हैं, 20 तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो है उसके मिश्रण से ये जो प्रोडक्ट है उसको तैयार किया गया है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही रिसर्च के बाद दोस्तों इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। एज काफी लंबे समय से इसके ऊपर प्लानिंग चल रही थी, एंड वो सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो एक्चुअली हमारी किडनी को, हमारे गुर्दों को स्वस्थ रखती हैं, हमें उनकी समस्याओं से बचाती हैं, वो सभी आयुर्वेदिक हर्ब्स, 20 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को इसमें ऐड करके ये जो प्रोडक्ट है कंपनी ने इसको तैयार किया है और हम लोगों के लिए लेके आई है। और दोस्तों मैं आपको श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त काम करने वाला है, बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है आपको इस प्रोडक्ट के जो है वो मिलने वाले हैं। तो मैं आपको क्विकली इसकी हर्ब्स के बारे में भी बताना चाहूंगी। तो दोस्तों इसमें जो हर्ब्स प्रेजेंट है वो है एलोवेरा, शिलाजीत, पश्चिमबाद, गोखरू, त्रैपुष, वरुण चाल, कुल्थी, पुनर्नवा, इक्षमूल, उशीर, शीतलचीनी, कुश, भूमि अमलकी, अनानास, पलाश, दारू हरिद्रा, गिलोय, शहद, नफसदर एंड पुदीना, राइट। तो इतनी तरह की आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनके मिश्रण से इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि 20 तरह की आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनके मिश्रण से इस प्रोडक्ट की जो है वो प्रेपरेशन, इसकी फॉर्मुलेशन तैयार की गई है। सो नाउ बढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। तो सबसे पहला तो दोस्तों यही है कि आपकी किडनी, आपके गुर्दों का जो ओवरऑल स्वस्थ है, ओवरऑल हेल्थ को ये मेंटेन करता है, आपकी किडनी को स्वस्थ रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किसी भी प्रकार की यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है आपके गुर्दे में या फिर आपके उस पूरे के पूरे यूरिनरी ब्लैडर में, उससे भी ये आपको आराम दिलाने में मदद करता है। जो आपका पेनफुल यूरिनेशन है, यानी कि जब भी आप बाथरूम जाते हैं आपको यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, तो इसका सेवन आपका जो यूरिन को पास आउट करना है उसको इजी कर देगा। आपको पेनफुल, यानी कि जब आप यूरिन पास करते हो आपको जो दर्द होती है उससे ये आराम दिलाने में मदद करेगा। ये आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा, यानी कि जितना भी वेस्ट है उसको ये आपकी किडनी से बाहर निकालने का काम करेगा। आपके लिवर को स्वस्थ रखने और उसको साफ करने का काम भी ये जो यूरिप्योर सिरप है वो करेगा। देन दोस्तों आपकी जो बोवल मूवमेंट्स हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इसके जब हमने कॉजेस पढ़े थे उसमें हमने डिस्कस किया था IBD, यानी कि इंफ्लामेटरी बोवल डिजीज। तो आपकी जो बोवल मूवमेंट्स है, मीन्स आप दिन में कितनी बार स्टूल पास करते हो, सही तरह से करते हो, उन सारी मूवमेंट्स को, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, उन सारी जो समस्याएं हैं IBD से रिलेटेड उनको भी ये ठीक करने में मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है उससे आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये आपकी जो ब्लैडर का स्टोन है जिससे होती हुई आपकी दर्द से आपको आराम दिलाने में ये मदद करने वाला है। आपके यूरिन का जो pH बैलेंस है, जो कि हमारा सबसे पहला पॉइंट था, अगर आपको याद हो कि हमारे यूरिन के जो pH लेवल में इम्बैलेंस आ जाता है जिसकी वजह से हमें किडनी से संबंधित समस्या होती है, तो ये आपका जो यूरिन का pH बैलेंस है उसको मेंटेन करने में
हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि इसका सेवन हमारी बॉडी से जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में मतलब हार्मफुल केमिकल्स टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको ये बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों हमारा जो किडनी स्टोन है उसको भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ऑन द होल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके पूरे के पूरे यूरिनरी ब्लैडर के लिए। दोस्तों अगर किडनी हम लोग बात कर रहे थे तो मैं आपको इस प्रोडक्ट पे दिखा भी देना चाहूंगी कि ये जो दो यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये होती हैं हमारी किडनीज, राइट। तो ये हमारा किडनी पोर्शन है, ये हमारा यूरेथ्रा है, राइट, ये हमारा पूरा का पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है। तो इसको पूरे पूरे सिस्टम को ये हेल्दी रखने का काम करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब हमें बात करनी है हाँ इसके डोजेज की, यानी कि किस तरह से आपको इसका सेवन करना है। तो दोस्तों इसका जो डोज है वो आपको 2 टीस्पून यानी कि 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर को और 2 चम्मच शाम को, जिन लोगों को किडनी से संबंधित कोई समस्या है, एल्स अगर आप किडनी को नॉर्मली हेल्दी रख रहे हैं इन सारी समस्याओं से बचाने के लिए, तो 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में आपको इसका जो सेवन है वो करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये प्रोडक्ट जो है वो दिखाना चाहूंगी। सो ये था दोस्तों इसका डोजेज कि आपने इसका सेवन किस तरह करना है, और आप चाहें तो नॉर्मल पानी के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप नॉर्मली इसको ऐसे पीना चाहते हैं तो आप इस तरह भी पी सकते हैं दोस्तों। एज सच मतलब आप इसको बिना पानी के ले सकते हो, इसका टेस्ट नॉर्मल है, फाइन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको डाइल्यूट करके ही पीना है। आप मतलब इसको पीने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको पानी पीने की आवश्यकता है तो आप ले सकते हो। सो ये थे इसके बेनिफिट्स, इसकी फॉर्मुलेशन और इसकी डोजेज के बारे में। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन के माध्यम से आपको आज इस प्रोडक्ट की और हमारे इसके साथ साथ हमारी जो किडनीज है, हमारा पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम है, उसकी जानकारी मिली होगी। और आपके बहुत से ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो इस प्रोडक्ट को लेके थे इस सेशन के माध्यम से ऑटोमेटिकली दूर भी हुए होंगे। और स्टिल दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका कोई भी डाउट है इस प्रोडक्ट को लेके या आपकी किडनी की प्रॉब्लम्स को लेके कुछ भी आप क्वेश्चन जो है वो रखना चाहते हैं, तो आप मुझे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-137-5210 पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों मैंने आज आपको बताया यूरिप्योर सिरप के बारे में और हमारे किडनी के बारे में, हमारी ओवरऑल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में। तो मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि ये प्रोडक्ट है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हमें बहुत ज्यादा एक्चुअल में आवश्यकता थी, और हम काफी लंबे समय पे दोस्तों इसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे थे। और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके जो रिजल्ट्स हैं मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलेंगे। और आपको ये एक बहुत अच्छा आपकी गुर्दे को आपके पूरे के पूरे ट्रैक को हेल्दी रखने में ये बहुत अच्छा जो रोल है वो प्ले करेगा। इसी के साथ आज का ये जो सेशन था हम यहाँ पे ओवर करेंगे। और जाने से पहले दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, इनका प्रमोशन करें, ताकि हम अपने मिशन को भी सक्सेसफुल कर पाए, हमारे बिजनेस को भी इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से बढ़ा पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ के इन प्रोडक्ट्स का जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, राइट। एंड स्टिल आपको किसी भी प्रकार का किसी भी चीज को लेके कोई डाउट रह रहा है, आप मुझे हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच मुझसे बात कर सकते हैं। एंड अपने जितने भी डाउट्स हैं, आपकी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको मेरे साथ शेयर करें। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी आपकी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन देने में। आप किस तरह से एल्टॉस के प्रोडक्ट्स को यूज करके एक अच्छा स्वस्थ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, इसमें ही हमारा ये पूरा का पूरा फोकस रहता है। एंड ऑटोमेटिकली हम इसी के माध्यम से हमारा जो मिशन है उसको भी पूरा कर पाएंगे, आज हमने हर घर में हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है। और दोस्तों ये सब हम साथ मिलकर कर पाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ इनको लोगों तक पहुंचा रहे होंगे, इनको इनकी प्रमोशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सो दोस्तों
इसी के साथ मैं सेशन को ओवर करती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के किसी और टॉपिक के ऊपर। एंड और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि गोगो ऑफर चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत से लोग हैं जो अचीव कर चुके हैं एंड स्टिल बहुत से लोग जो हैं इसके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूंगी। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगी, गोगो ऑफर बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करके अपने साथ साथ अपनी टीम को लेके जाने के ऊपर भी फोकस करें। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय हेल्थ।